हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी, वर्ग 7 क्लास का है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है ये। पृथ्वी के अंदर कितने मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है? जी हाँ बताइए, पृथ्वी के अंदर कितने मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाती है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर आते हैं तापमान बढ़ जाती है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने मीटर अंदर जाएंगे तो बढ़ जाएगा। यहां देखते हैं 32 मीटर। ठीक है, भूप्रपट्टी के ऊपरी हिस्सा को क्या कहा जाता है? भूप्रपट्टी के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? ठीक है बताइए, शियाल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है? ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। ठीक है, छत की ढलाई में किस पत्थर का इस्तेमाल होता है? जी हाँ, हमारे घरों में छतों की जो ढलाई होती है छत को, उसमें किस पत्थर का इस्तेमाल होता है? आसपास फिर देख लीजिए, छत की ढलाई में किस पत्थर का इस्तेमाल होता है? स्लेट पत्थर का। ठीक, आगे, छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर क्या है? ठीक बताइए, किताब से एक भी बाहर नहीं है, किताब का ही है सब। मित्रों देख लेते हैं, एक पठार क्या है? यह एक पठार है। छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है। भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है वह क्या कहलाता है? भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है वह क्या कहलाता है? यहाँ जैसे भूकंप आता है तो कंपन होता है ना, तो जगह का शुरू होता है उस जगह क्या कहते हैं? ठीक है, उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस यंत्र से? यानी कि ये भी कह सकते हैं, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? ठीक है बताइए, बहुत ही आसान है, सिस्मोग्राफ। और अगर आ जाए भूकंप की तरंगों की तीव्रता नापी जाती है किससे? रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो हम लोग सबको जानते हैं कि गुब्बारे में हाइड्रोजन बढ़ाता है, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा अलग ही है। मुंह से गुब्बारे में हवा भरने पर कौन सा गैस भर जाता है? मुंह से गुब्बारे में हवा भरने पर कौन सा गैस भर जाता है? जी हाँ बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक और बताइए, अगर दुधिया क्या बोलता है, चूने के पानी में अगर मुंह से फूका जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो कैसा रंग होता है उसका? जी हाँ, दुधिया रंग होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? जी हाँ, ऐसे तो नाइट्रोजन हमारा है, आप लोग जानते ही होंगे, जितना नाइट्रोजन है उतना जल भी है, तो इसी प्रकार से वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 20.9%, यानी 21%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांच या प्लास्टिक की कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के घरों में सूर्य की किरणें अंदर जाती है? ठीक से एक बात सुन लीजिए भैया को, कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के घरों में सूर्य किरणें अंदर जाती है परंतु वह बाहर नहीं आती है, उसे क्या कहते हैं? जहाँ सूर्य किरणें अंदर जाती है लेकिन उसे बाहर नहीं आती, क्या आता है? ग्रीन हाउस कहा जाता है, उसे क्या आता है? ग्रीन हाउस कहा जाता है। सबसे बड़ा दबाव वाला गैस कौन सा है? जो हमारे चारों ओर दबाव डाले हुए सबसे ज्यादा गैस कौन सा गैस है? देखते हैं, नाइट्रोजन। जी हाँ, ये 71% है। ठीक, आगे देखते हैं, पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत पर जलमंडल है? जी हाँ, कितने प्रतिशत पर जलमंडल है? 71% पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अभी कुछ समय पहले ही हमारे स्कूल में मनाया गया था। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जी हाँ, 22 मार्च को। कावर एवं बरेला झील किस राज्य में है? कावर एवं बरेला झील किस राज्य में है? जी हाँ, बिहार राज्य में है। और कहाँ कहाँ है देख लेते हैं, कावर जो झील है बेगूसराय में है, और बरेला झील वैशाली में है। बरेला, वैशाली, कावर, बेंगलुरु। ठीक है, आगे देखते हैं, बेगूसराय क्या है? कावर बेगूसराय में। ठीक है, ज्वार भट्टा प्रतिदिन 24 घंटे में कितने बार होता है? ज्वार भाटा प्रतिदिन 24 घंटे में कितने बार होता है? यहाँ ज्वार भाटा जो आता है एक दिन में कितने बार होता है, यानी 24 घंटे में कितने बार होता है? यहाँ 2 बार होता है। ठीक है,
यह सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से कौन सा परत रोकता है? जी हाँ, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से कौन सा परत रोकता है? ओजोन परत। जी हाँ, ओजोन परत। ये ओजोन जो है परत, पराबैंगनी किरण जो कैंसर फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, बहुत ही घातक किरण है ये। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? जी हाँ बताइए, बहुत ही अच्छा, डॉल्फिन। ये गंगा का डॉल्फिन है जिसे सॉस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लद्दाख को वहां की भाषा में क्या कहा जाता है? लद्दाख को वहां की भाषा में क्या कहा जाता है? जी हाँ बताइए, खा पा चान, यानी हिम भूमि या बर्फ वाली जगह कहा जाता है, खा पा चान। आगे देखते हैं, भारत के सबसे ऊपरी सॉरी भारत की सबसे उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं, कश्मीर और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थार का रेगिस्तान भारत के किस भाग में है? थार का रेगिस्तान भारत किस राज्य में है बताइए? पश्चिमी भाग में। यहाँ पश्चिमी भाग में। मेरा चैनल का नाम है पंकज प्रतिष्ठा, एक बार जरूर सर्च कर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का नहर किस नदी पर बनाया गया है? राजस्थान का नहर किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कितना प्रतिशत भाग बंजर है? जी हाँ, बिहार में कितना प्रतिशत भाग बंजर है? 12%। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? यहां बताइए, 22 मार्च 1912 को। आगे, बिहार में रेलवे कार्यशाला कहाँ है? बिहार में रेलवे कार्यशाला कहाँ है? जमालपुर में है। ठीक है, आगे हैं, सबरीमाला क्या है? जी हाँ, सबरीमाला क्या है? यह तो एक मंदिर ही है, लेकिन है क्या ये? ये तीर्थ स्थल है, ये तीर्थ स्थल है। देखिए बताए, यह एक मंदिर है जो कि केरल राज्य में है। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ना आए तो डिसलाइक भी कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।